कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के बुनकरों के बिजली के बिल को माफ करने की मांग की। जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक बड़ी आबादी बुनकरी से जुड़ी है। लॉकडाउन लगने की वजह से उनका पूरा कारोबार ठप हो गया है। हैंडलूम और इनके कारखाने बंद पड़े हैं। प्रदेश में ना ही उत्पादन हो रहा है और ना कोई बिक्री। बुनकरों के ऊपर बैंकों का भारी कर्ज है और ऐसे समय में बिजली का बिल भुगतान करना बुनकरों के लिए समस्या का कारण बन रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को बिजली के बिल को माफ कर बुनकरों को तत्काल राहत पहुंचाने की जरूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुनकर नेता जावेद अहमद व कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, जितेंद्र जी, अरे आप इधर बैठे, यहाँ पे आइए। मेरा नाम जावेद जमा है, जावेद जमा अंसारी, बुनकर नेता। देखिए, बुनकरों की बहुत सारी समस्याएं हैं। बुनकर का आज हर तरीके से बुनकर का रोज़गार बंद हो चुका है और बुनकर बिल्कुल भुखमरी के कागार पर आ गया है। और कृषि के बाद से सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र बुनकरों का है। अगर किसान पेट भरता है तो बुनकर का तन ढकता है। आज बुनकर बिल्कुल भुखमरी के कागार पर हो गया। सरकार से हमारी मांग है कि माल खरीदारी करने की कोई व्यवस्था करे, जैसे हमें छोटे मोटे लोन सब्सिडी पर दे, ताकि जिससे हमारा थोड़ा बहुत कारोबार आगे बढ़ सके। निर्मला पासवान, जिलाध्यक्ष गोरखपुर। आज बुनकर समाज को लेकर के पूरा देश परेशान है और जिसकी लड़ाई को लेकर के सड़क से सदन तक के लड़ने का काम राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया है। जगह जगह बुनकरों की आवाज़ उठाई है और हाल में ही हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने 51 बुनकरों की आवाज़ सदन में उठाई है और बनारस में ही इनकी सदन में उठाने के बाद इन्हें जेल में बंद किया गया, इन्हें गिरफ्तार किया उनकी आवाज़ उठाने के लिए। और उनकी मांगों को सदन में कुछ मांगा भी गया है। जो बुनकरों की हालत इस तरह से ख़राब है, उनमें खाने पीने की रोजी रोटी की कमी आने के कारण अपने हुनर को दूसरी जगह दिखाया जा रहा है। और बुनकरों में जो कर्ज़ा है, जो कर्ज़ा माफ़ करने की बात हो रही है, अगर ये सब कर्ज़ा माफ़ नहीं की है बुनकरों की, तो इसकी लड़ाई आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी और हमारी महासचिव पूरी हमारे प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगी। हम सब जिले से लेकर के सभी लोग बुनकर की लड़ाई लड़ेंगे।